एसएचओ के साथ कुर्सी पर बैठता है ये भगवान रूपी वानर। रोजाना अयोध्या के इस थाने में मारता है चक्कर। थाना प्रभारी की गोद में बैठकर सेकता है हाथ। खबर अयोध्या से है। इन दिनों रामनगरी का एक थाना चर्चा में है और चर्चा की वजह भी अनोखी है। भगवान राम की नगरी में रामलला के नाम पर बना राम जन्मभूमि थाना, जिसके थाना प्रभारी के साथ एक बंदर की अनोखी दोस्ती मिसाल बन गई है। भगवान राम के नगरी में थाना प्रभारी और बंदर की अनोखी दोस्ती लोगों के लिए चर्चा का विषय भी बनी है। बंदर दिन भर में एक बार थाने में जरूर आता है और जब भी आता है थाना प्रभारी के कमरे में जाकर उनके साथ खेलता जरूर है, खाता भी है और तब तक घर नहीं जाता जब तक थाना प्रभारी उसके प्यार ना कर ले। इतना ही नहीं, कभी तो गोद में बैठकर बाहल सहलाता है तो कभी कंधे पर बैठा मस्ती करता नजर आता है। धार्मिक मान्यता है कि बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है और राम मंदिर से बंदरों का अनोखा रिश्ता रहा है। फिर चाहे विवादित ढांचा विध्वंस का मामला हो, उस समय भी सबसे पहले शिखर पर बंदर ने ही कार सेवकों को रास्ता दिखाया था। उसके बाद भगवान रामलला के भव्य मंदिर के विराजमान होने के बाद रामलला का दर्शन करने भी सबसे पहले बंदर ही पहुंचे थे। गर्भगृह तक ही एक बंदर गया था, जिसकी चर्चा राम मंदिर ट्रस्ट ने भी की है। एक बार जो प्रतिदिन राम जन्मभूमि थाने में प्रभारी के पास आता है, उनके साथ बैठकर कभी गोद में खाता है तो कभी बाल सहलाता है। ये भी कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। रामनगरी में बंदरों को बहुत सम्मान दिया जाता है। कहीं लोग उन्हें चने खिलाते हैं तो कभी श्रद्धा से उन्हें और चीजें खिलाई जाती हैं। माना जाता है कि भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे तब वानर सेना भी उनके साथ अयोध्या आई थी। इन्हें हनुमान जी का प्रतीक भी माना जाता है। समय समय पर बंदरों ने अयोध्या के लिए बहुत कुछ किया है। यह उत्पादी बंदर लोगों के लिए समस्या का विषय होंगे, लेकिन कई बार अयोध्या नगर में बड़े संकट को भी बंदरों ने काटा है। हनुमानगढ़ी पर लगाए गए कुकुर बम को भी सबसे पहले बंदर ने ही निष्क्रिय किया था। एक बार फिर भगवान राम की नगरी में बंदर और थाना राम जन्मभूमि के प्रभारी की दोस्ती चर्चा का विषय बन गई है। एसएचओ भी बंदर के लिए कुछ ना कुछ जरूर खाने के लिए रखते हैं। आपको कैसा लगा बंदर और एसएचओ का रिश्ता, कमेंट करके जरूर बताएं। जब से मेरी पोस्टिंग हुई है, शाम के समय या अक्सर जब मैं बैठा रहता हूँ या कभी ठंडक चल रही थी तो आग के पास या कभी मेरे कमरे के पास एक बंदर आता है मेरे पास। जैसे प्राइवेट कपड़े में भी बैठे थे एक दिन ट्रैक सूट पहनकर, तभी मेरे कंधे पर आके मेरे बैठ कर मेरा बाल खुजला रहा था। आता है अक्सर, गोद में बैठाता हूँ, मैं भी उसको करता हूँ। प्रायः मेरे पास अक्सर आता रहता है, मैं इसको देखता हूँ। सब अयोध्या जी है, हनुमान जी की बहुत पूजा करता हूँ, पंचमुखी हनुमत कवच करता हूँ। कृपा है भगवान की, और क्या कहा जाए इसको। हाँ है तो स्वाभाविक सी बात है। अब हनुमान जी कृपा कहा जाए क्या कहा जाए, वो न हमको काटता है न बोलता है, स्नेह करता प्यार करता, मैं भी उसी स्नेह प्यार में करता हूँ, मानता हूँ। प्रतिदिन नहीं, जब भी मतलब बैठा रहता हूँ कहीं बाई चांस बराबर आता रहता है। लेकिन अच्छा, आप भी इसका एक नाम भी रखता है? नाम क्या, वैसे ही बोला जाता है, प्रेम से सुशीला बोला जाता है उसको, लेकिन है आता रहता। इसे आप क्या मानते हैं, अयोध्या राम नगरी में आप सेवा कर रहे हैं, रामलला जहाँ विराजमान है उस थाने के आप थानेदार हैं? बिल्कुल माना जाता है, हनुमान जी का यहाँ के राजा हैं तो कुछ कुछ मिला करके कुछ न कुछ हनुमान जी की कृपा अवश्य है। और यहीं पर ये चीज़ें संभव हैं, हर जगह ये संभव ही नहीं है। मतलब अपने आप को आप सौभाग्यशाली मानते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली नहीं रहते तो प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भगवान की कृपा से मैं इस जगह पर कार्यरत हूँ, अपनी चरणों में भगवान ने सेवा का अवसर दिया है, ये सौभाग्य की बात है।